रिदम है जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को रिदम में रखती है। तो हम आइए शुरू करते हैं हमारे ये टॉपिक आज का मेरा प्रेजेंटेशन, सर्कैडियन रिदम डाइट। नेक्स्ट प्लीज। सर्कैडियन रिदम यानी ऐसी रिदम है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, 24 आवर्स चलती है, एंडोजीनस यानी इनबिल्ट है, ये घड़ियां हमारी बॉडी में अंदर लगी हुई हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं, जैसे आपने सुना देखा है हम सोते हैं जागते हैं, हमारे हार्मोन्स पर्टिकुलरली सीक्रेट होते हैं, हमारे बीपी या दूसरी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो सब रेगुलर रिदम में रहती हैं, इवन हमारा मेटाबॉलिज्म भी रेगुलर रिदम में रहता है। एक और सरप्राइजिंग बात क्या है, इंडिविजुअली हर सेल में ये रिदम चलती है, यानी हर सेल 24 घंटे में किसी टाइम पर पीक परफॉर्मेंस देती है और किसी टाइम पर रेस्ट करती है। इस पूरे कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम सिग्नल्स कहते हैं, सेल सिग्नल्स। हमारा मेंटल फिजिकल बिहेवियर ये बनाए रखती है, हमको कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है डिसाइड करती है, या कहिए पूरी फिजियोलॉजी को, के डेली रिदम को ये मेंटेन करके चलती है। हमारी इस रिदम का एंडोजिनस रिदम है, एंडोजिनस ये क्लॉक है, लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इसका बाह्य वातावरण के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। एक्चुअली ये हमारे एक्सटर्नल क्यूज से इन्फ्लुएंस रहती है और बाकायदा उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करती है। ये सिंक्रोनी बनी रहे तो हम लॉन्ग टर्म हेल्थ मान सकते हैं, हमारी हेल्थ को हम लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कूल फैक्ट्स यही है इस रिदम के बारे में कि ये फिक्स रहती है लाइफ टाइम, ऐसा जरूरी नहीं है, यानी हम रीसेट भी कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, हम इसको रीसेट कर सकते हैं। एज के साथ बदल जाती है, हमारे काम करने के तरीके, वर्क शेड्यूल, स्ट्रेस लेवल, इसके हिसाब से ये साइकिल बदल जाती है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक बदल जाती है और हम इसके साथ हारमोनी में चलते जाएं तो हेल्थ रहती है। कई बार आपने ये देखा होगा, दिन भर में अपन देखते हैं कि कोई ऐसा टाइम होता है जब बहुत हम एनर्जाइज्ड रहते हैं और कभी ऐसा टाइम होता है जब हम अपने एनर्जी लेवल को बड़ा स्लो या लो मानते हैं। यानी यू मे नॉट रियलाइज इट बट ऑफन यू फील कि यू आर डूइंग बेस्ट। कब ऐसा लगता है, जब हमारी लाइफ स्टाइल अलाइन कर जाती है इस नेचुरल रिदम के साथ। और इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि हमारी ये जेनेटिक्स में है, यानी ये हमारे जेनेटिकल हार्डवेयर में है, इट इज एनकोडेड इन अवर जीन्स ऑल्सो। नेक्स्ट प्लीज। अब बात आती है, जैसा मैंने कहा कि ये सब इंटरनल टाइमिंग डिवाइसेस हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर लोकल एनवायरमेंट। और लोकल एनवायरमेंट्स के वो फैक्टर जो हमारी सर्कैडियन रिदम को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके लिए टर्म दी है जिटरबग। ये वो एक्सटर्नल क्यूज हैं जो हमारी इस साइकिल को प्रभावित करते हैं, जैसे लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी और साथ में सोशल इंटरेक्शंस भी, राइट? यानी हमारा सोशल बिहेवियर भी हमारी इस फिजियोलॉजी को सर्कैडियन रिदम के थ्रू कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपको एक एक चीज बता सकती है कि दिन भर में किस समय आप बेस्ट रिएक्शन टाइम दे सकते हैं, किस समय आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रहता है, कब आप स्लीपी लगते हैं, कब आप डीप स्लीप में जाते हैं। ऐसी एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप की है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कुछ एग्जांपल मैं दे दूं, आपको याद है, आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बस कहना चाहिए, रिमाइंड कर रही हूं आप लोगों को कि हार्मोनल जो मैकेनिज्म है या हार्मोनल सीक्रेशंस हैं वो भी दिन भर में अपने हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। जब उनकी जरूरत होती है उस हिसाब से वो सीक्रेट होते रहते हैं। कॉर्टिजोल का टाइम है, हम देखते हैं कि मॉर्निंग टाइम में कॉर्टिजोल हाइएस्ट रहता है। मेलेटोनिन की बात हम सबको मालूम है कि शाम के समय यानी डार्कनेस जैसे ही होती है ये जो है सीक्रेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही हमारे हर हार्मोन्स
जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर सीक्रेट होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, जैसे हमने खाना खाया है ना, तो आफ्टर मील थायरॉक्सिन है या कॉर्टिसोल्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये सब सीक्रेट होते हैं, इंसुलिन भी सीक्रेट होता है और अपना काम करता है, और अपना काम करके हमारी बॉडी की हार्मोनी को, फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, समझिए हमारी सब एक लय चल रही है, हम एक पर्टिकुलर रूटीन में काम करते हैं। मैं आज का एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि समझिए 11:30 बजे से मेरा लेक्चर है, मेरा शेड्यूल है, या इस वेबिनार को शुरू करने का 11 बजे का टाइम है, और मैं 10:30 बजे आकर अपना लेक्चर शुरू कर दूं, तो क्या हार्मोनी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। यानी शेड्यूल में काम करना जरूरी है और वही हमारे हार्मोन्स भी करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कुछ एग्जाम्पल्स मैं देना चाहती हूँ जो मॉडर्न साइंस ने बताए हुए हैं कि कब कब हम कैसे कैसे रहते हैं हमारे रूटीन में। तो एक टाइम हमने देखा है 12 PM to 2 PM दिन में, दोपहर में हमारा बेस्ट पीरियड होता है हमारी परफॉर्मेंस के लिए, हम अच्छे से सो सकते हैं या ब्रेन के फंक्शंस हम इस टाइम में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक टाइम होता है जिसको हम लो परफॉर्मेंस टाइम कहते हैं, 2 PM to 4 PM, जिसमें हम अपने आप को ब्रेन के काम करने में, या आप कहिए एथलेटिक्स हमें करना है, या कोई हाई एनर्जी लेवल के कोई काम करने हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल होते हैं समय पर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 4 से 6 बजे फिर से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा बीपी सब कुछ बढ़िया रहता है, पीक पर हम काम करते हैं और अच्छे काम इस समय भी कर सकते हैं। कुछ लोग जिम एक्सरसाइज ये सब इस टाइम पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो टाइम है 3 AM to 5 AM, आप सबको मालूम है इस समय हमारी बॉडी, हम डीप स्लीप में हैं, और कुछ एक्टिविटीज जो है लोएस्ट केस हमारे यहाँ हम देखते हैं इसमें रहता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, डेथ केसेस भी इसमें ज्यादा होते हैं। साथ ही हमने ये साइंटिफिक हमारी स्टडीज में हमने देखा है कि डेथ के साथ साथ जन्म की दरें भी 3 PM to 5 AM ज्यादा रहती है, बढ़ी रहती है। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी हमें देखना है कि जो सर्कैडियन रिदम है, जो हमारी बॉडी में चल रही है, हर सेल अपने पर्टिकुलर रूटीन से काम कर रही है, सभी लोग अपनी अपनी रूटीन से काम कर रहे हैं, और सबके रूटीन को कंट्रोल कौन करता है? तो उसके लिए होती है हमारे पास मास्टर क्लॉक, जो इन सब रिदम को, सारी बॉडी के फंक्शंस जो अलग अलग रिदम में हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है। जैसे हमने ऑर्केस्ट्रा में देखा हुआ है, आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग वायलिन बजा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं म्यूजिशियंस, लेकिन एक उनका हेड होता है, मास्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, जो इस लय को कंट्रोल करता है, सभी को कोऑर्डिनेट करता है। तो वही चीज हम यहाँ देखते हैं, और आप सबको मालूम है कि ये जो कंट्रोलिंग ऑर्गन है बॉडी का वो होता है ब्रेन। तो ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर है, हम सब जानते हैं, उसमें एक न्यूक्लियस है, दैट इज सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, जिसमें ये मास्टर क्लॉक हमारी फिट है, और ये मास्टर क्लॉक एनवायरमेंटल चेंजेस को देख रही है। उसके पास पूरी अपनी आर्मी है, जो आप सब जानते हो रिसेप्टर जिन्हें हम कहते हैं, जो बाहर के एनवायरमेंट के चेंजेस को कैच करती है, उसके सिग्नल्स को इस मास्टर क्लॉक तक पहुंचाती है, और मास्टर क्लॉक उस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, बॉडी की एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करती है। इस तरीके से हम लय के साथ चलते रहते हैं। ये मास्टर क्लॉक हमारी सारी पेरिफेरल क्लॉक्स, जो एक एक सेल के अंदर है, एक एक टिश्यू के अंदर है, एक एक ऑर्गन के अंदर है, उसको भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये मास्टर क्लॉक आप देख रहे हैं ब्रेन में है। सर्कैडियन रिदम का सबसे बड़ा स्टिमुलेशन डे और नाइट होता है, यानी दिन और रात का समय, या हम कहें लाइट और डार्कनेस का समय, सनसेट और सनराइज का समय, इसके हिसाब से हमारी ये सर्कैडियन रिदम लयबद्ध होती है, रीसेट होती है। तो चूंकि इस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, या कहना चाहिए फोकस है, न्यूट्रिशन एंड डाइट इन आयुर्वेदा, तो सर्कैडियन रिदम ये अपने आप में बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल टॉपिक है, लेकिन उसको मैंने स्पेसिफाई किया है, स्पेशली रेफरेंस किया है ईटिंग पैटर्न्स पर, कि
तो आइए अपन बात करते हैं सर्कैडियन ईटिंग पैटर्न्स पर। नेक्स्ट प्लीज। हम सब जानते हैं कि आजकल सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं और कैलोरी कॉन्शियस हैं। हम खाने की बात अक्सर करते हैं और जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप सबने नोटिस की होगी कि हम ये तो बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए, लेकिन ये बात अक्सर कम करते हैं कि कब खाना चाहिए। मैं आप सबसे यही कहूंगी टेक होम मैसेज, व्हेन वी ईट इज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट वी ईट। जो हम खाते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कब खाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्चुअली क्यों ऐसा मैं कह रही हूं कि ईटिंग पैटर्न अपना डिसाइड होना चाहिए, रेगुलर रूटीन में रहना चाहिए, वो इसलिए कि मेटाबॉलिज्म भी लय से चलता है हमारी बॉडी में और कभी ज्यादा कभी कम इसका रेट होता रहता है। हम अपनी मील टाइम यानी खाने के समय को यदि रेगुलेट करते हैं हमारे इस मेटाबॉलिक सर्कैडियन रिदम से, तो हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। हम अनयूजुअल टाइम पे खाएंगे तो हमारी ये हार्मोनी डिस्टर्ब होगी और हार्मोनी डिस्टर्ब होगी तो हमारी हेल्थ को नुकसान होगा। तो एक्चुअली हमारी ये बॉडी क्लॉक टेल्स अवर बॉडी टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम। सही समय पर सही काम करना है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमें दिखाती, दर्शाती और रिमाइंड करती रहती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक रिसर्च में आपको बताना चाहती हूँ, हर चीज साइंटिफिक पैरामीटर पर एक्चुअली एस्टैब्लिश हो चुकी है जो चीजें मैंने यहाँ पर ली हैं। एक रिसर्च उन्होंने कहा ईटिंग एट द रॉन्ग टाइम कुड हैव ए मेजर इंपैक्ट ऑन अवर सर्कैडियन रिदम, यानी हमारी सर्कैडियन रिदम गड़बड़ हो सकती है यदि हम खाने का पैटर्न हमारा ठीक नहीं है। इसलिए मैंने देखा है जो ट्रेडिशनल आवर्स में खाना खाते हैं यानी जो पर्टिकुलर अपने टाइम खाने के टाइम के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, टाइमली खाते हैं, उनकी रिदम सही रहती है। आजकल की जनरेशन जो खाने के मामले में बहुत देर से या बहुत देर से उठकर खाना खा रही है या लेट नाइट खाना खा रही है, ये बहुत मुश्किल है, ये हमारी हेल्थ हिजार्ड्स में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर्कैडियन रिदम और ईटिंग बिहेवियर, ये रिसर्च हो चुका है। आप सब जानते हैं गट माइक्रोबायोटा एक टर्म आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और हम सबको मालूम है हमारा ब्रेन है, हमारी गट है जो डाइजेशन का काम करती है और साथ में माइक्रोबायोटा है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन तीनों का बड़ा हार्मोनी चलता है और उसके साथ ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये तीनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, मैं आपको इंटरेस्ट आएगा इस बात के लिए कि मोमेंट टू मोमेंट पूरे दिन भर में ये आपस में कम्युनिकेट करते रहते और कम्युनिकेट करके आपस में हार्मोनी बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, ब्रेन, गट एंड माइक्रोबायोटा। हमारे साइंस, हमारा मॉडर्न साइंस, हमारे रिसर्चर्स सब पजल कर रहे हैं, स्टिल पजलिंग कि ये कोड जाने कि कैसा कन्वर्जेशन हो रहा है, माइक्रो लेवल पर इस चीजों को पहचाने जाने, ये सब प्रयास कर रहे हैं। और हमको प्राउड होना चाहिए कि आयुर्वेदा ऑफर्स गाइडलाइन फॉर स्टेइंग इन बैलेंस। हमेशा से आयुर्वेद बहुत पुराने जमाने से हजारों साल पहले से इस बात को कहता चला आ रहा है कि रूटीन में रहिए, दिन भर का रूटीन बनाइए। तो आइए गर्व के साथ सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं हमारी आयुर्वेदा सर्कैडियन क्लॉक को जो तीन बायो एनर्जीज पर डिपेंड है, तीन दोषों पर डिपेंड है और वो तीन दोष हैं वात, पित्त, कफ। यदि हम 24 घंटे के हमारे दिन को पूरे 24 आवर्स को दिन और रात यानी 12 12 घंटे में डिवाइड करते हैं और 12 घंटे को हम 4 4 घंटों में डिवाइड करते हैं, तो आप सबको पता है, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सबका 4 घंटे में एक दोष प्रीडोमिनेंट रहता है। पित्त का टाइम 10 to 2, वात का टाइम 2 to 6 और कफ का टाइम 6 to 10, दिन हो या रात हो, और प्रीडोमिनेंस के हिसाब से ये सब काम करते रहते हैं। तो यह है हमारी आयुर्वेदा की सर्कैडियन रिदम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
इम्पॉर्टेंट बात देखिए, जो रिदम की बात चल रही है, मॉडर्न साइंस बात कर रहा है, हमारे आयुर्वेदा क्लॉक की क्या स्पेशलिटी है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक तो है ही, यानी हमारे इंटरनल टाइमिंग्स की डिवाइस तो है ही, मेंटेन करने की, कंट्रोल करने की, लेकिन ये मदर नेचर्स क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। इसको इस तरीके से हमारे आचार्यों ने बनाया है कि हमारी अंदर की रिदम नेचर की रिदम के साथ मिलकर काम करती है। यदि हम हमारे आयुर्वेद के हिसाब से बताए जो रेजिमेन है उनको फॉलो करते हैं, तो ये इंटरेस्टिंगली आयुर्वेदा की स्पेशलिटी है। और हमारा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सौभाग्य है, और हमेशा ही ये चीजें हमारे साथ होती हैं कि जब कोई बाहर का व्यक्ति इसको वैलिडेट करता है तो हम सब उसकी ओर, उस विचार की ओर सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी इस सर्कैडियन रिदम ऑफ आयुर्वेदा को वैलिडेट किया गया है। आप सबको मालूम है पिछली कुछ नोबेल प्राइजेस जो हैं वो इसी विषय पर ली गई हैं, फिजियोलॉजी में, और जो बिल्कुल आयुर्वेदा सर्कैडियन रिदम के विचार को एक्सप्लोर करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी सर्कैडियन रिदम को रीसेट कीजिए। किसके साथ रीसेट कीजिए? दिनचर्या के साथ। वो दिनचर्या जो हमारे आचार्यों ने बहुत पहले से बता दी है। दिनचर्या मेक्स अस अंडरस्टैंड द बेस्ट टाइम फॉर अवर डेली रूटीन्स, और इसमें ना केवल फिजिकल बॉडी हेल्थ की बात होती है, आप सब जानते हो, हमारे माइंड और सोल की बात होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक छोटा सा मैंने दिनचर्या को देखकर ईटिंग पैटर्न का एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, बहुत शास्त्रोक्त ना होकर, थोड़ा सा आज के सिनेरियो के हिसाब से, आज की जनरेशन के हिसाब से इसको मैंने एक फ्रेमवर्क दिया है। आप उसमें अपने युक्ति के हिसाब से चेंजेस भी रख सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा थोड़ा सा न्यूट्रिशियस, थोड़ा सा होलसम, यानी पौष्टिक हो, कम मात्रा में हो, ये हम चाहेंगे, होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इतना होना चाहिए कि हम लंच तक हमारे एनर्जी लेवल को बना सके। साथ ही प्रकृति का विचार करना, तो आप सभी को, मुझे लगता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सभी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमारी डाइट प्रकृति के हिसाब से। आइए अब हम बात करते हैं लंच की। लंच भी होलसम हो, पौष्टिक हो, 6 रसयुक्त यानी 6 रस इसमें हो, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं वो हो। और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारा आयुर्वेद कहता है कि लार्जेस्ट मील ऑफ द डे, यानी ये हमारा सबसे हैवी और सबसे कहना चाहिए ज्यादा मात्रा वाला मील होना चाहिए। आइडियल टाइम बताया गया है 12 से 1 बजे के बीच में, और आप सबको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि डाइजेशन का बहुत कहना चाहिए क्लोज रिलेशन है पित्त दोष के डोमिनेंस के साथ, और इस समय पित्त दोष डोमिनेट होता है, इसलिए हमको लंच 12 से 1 के बीच में प्लान करना चाहिए। यहाँ एक बात मैं बता दूं कि ये रिदम ठीक है कि हम कह रहे हैं कि ये रिदम हमारी होनी चाहिए और हमको इस पर स्टिक रहना चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1-2 दिन का चेंज या कुछ दिन यदि इरेगुलरिटी हो जाती है तो हमें इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं लंबे समय तक जो इरेगुलर अपनी ईटिंग हैबिट्स में होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आते हैं हम डिनर पर। डिनर का टाइम हमारा करीब 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, लंच से हल्का डिनर होना चाहिए, 2-3 घंटे सोने से पहले जरूर ये डिनर होना चाहिए, बेड टाइम से 2 to 3 आवर्स बिफोर हमको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे डाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी है, हमको इनफ टाइम मिलना चाहिए डाइजेशन के लिए। सोने से पहले ये डाइजेशन हो जाना जरूरी है, हैवी स्टमक के साथ हम सोएंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वॉक कर लें हम सोने से पहले तो ये डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आयुर्वेद हमेशा कहता है, आप सबने याद किया है और संभवतः आप सभी ने अपने रूटीन में इसको अपनाया हुआ है कि सोना नहीं चाहिए, खाना खाने के बाद नैप नहीं लेना चाहिए, ये कफ के लिए, कफ वृद्धि करता है और कफ जो होता है डिस्टर्ब करता है डाइजेशन की फिजियोलॉजी को। लेकिन झपकी लेने की बात आयुर्वेद कहता है, हम कहते हैं थोड़ा सा हम
झपकी लेकर अपना एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ये ईटिंग पैटर्न्स मैंने अपने हिसाब से थोड़े से आपको बताए थे। ये जो सर्कैडियन रिदम है इसको लय में रखिए, हमारे जेनेटिक बेसिस में है ये जीन जो है, हर जीन हमारी बॉडी का वो हर सेल का काम डिसाइड करता है, हमारी सेल की हर एक्टिविटी को जेनेटिक बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। और यदि आप थोड़ा बहुत जेनेटिक्स पढ़े हैं, जानते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, तो जीन भी ऑन ऑफ होते रहते हैं, हर जीन ऑन ऑफ होता है। तो इसलिए हमारी सर्कैडियन रिदम चूंकि हमारे ब्लूप्रिंट्स में है और उस ब्लूप्रिंट से हमारी हेल्थ, हमारा फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल पैटर्न चलता है, तो हार्मोनी बनाए रखें, बाहर जो हो रहा है अंदर जो हो रहा है दोनों सिंक्रोनाइज रहेंगे, यानी नेचर्स रिदम और बॉडीज रिदम, तो हम हेल्दी रहेंगे। और आज के सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में, जब कोरोना COVID-19 का इतना ज्यादा दुष्प्रभाव चल रहा है, वैक्सीन नहीं बनी है, मेडिसिन भी इविडेंस बेस्ड नहीं है हमारे पास, तब हमको बहुत जरूरी है कि हम इस प्रिवेंटिव अप्रोच ऑफ हेल्थ को मेंटेन करें, तो हम इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे यंग, बेस्ट एजिंग। और एक्नॉलेजमेंट देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ विश्व आयुर्वेद परिषद का, टीम उत्तराखंड का, और स्पेशली डॉक्टर उत्तम कुमार शर्मा जी का, डॉक्टर योगेश मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया कि मैं आप सभी के पास के सामने ये अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रख सकूं। समय की मेरे पास पाबंदी थी, समय कम था, इसलिए कोशिश मैंने की है कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको मैं बता सकूं। बाकी सर्कैडियन रिदम एक बहुत वास्ट टॉपिक है, जिस पर कभी और मौका मिला तो चर्चा करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।